हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत पहले से आ रहे थे, अभी से नहीं, कि भाई ये जो स्केचेस बनाते हैं ना इतनी अच्छी अच्छी, उसकी आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे ये कोई ट्यूटोरियल चैनल नहीं है जिसमें मैं आपको सिखाऊं, ये नॉर्मल व्लॉग ही है। पर यार कमेंट्स आ रहे थे तो बताना पड़ेगा। मैं दिन भर पता यही करते रहता हूँ, स्केचिंग बनाता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, गेमिंग वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग वगैरह, यही सब मतलब सब मैं ही करते रहता हूँ। तो यही सब मैं अपने व्लॉग्स वगैरह में बताता हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये जो स्केच का आउटलाइन है, अभी ये वाली स्केच कंप्लीट नहीं हुई है, इस पे मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के स्केच बना रहा हूँ, उसमें से हाफ हाफ वे सबके बन गए, डिटेलिंग में सबसे एंड में करूंगा। पर यार जो ये आउटलाइन बनाते हैं ना, वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो आज मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी ऐसे कई वीडियोस बनाए जिसमें मैं बता रहा था कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं, नीचे आपको चैनल पे दिख जाएंगे, पर शायद वो पुराने हो गए होंगे या फिर उसमें अच्छे से मैंने समझाया नहीं होगा। अभी की स्केच देखोगे ना तो इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है ना कि भाई पहले की इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उसमें आउटलाइन भी उतनी परफेक्ट नहीं थी, पर अभी की देखोगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस बार की मेथड थोड़ी सी अलग होने वाली है, शायद हो सकता है थोड़ी यूनिक हो, क्योंकि मैंने कहीं से स्केचिंग वगैरह सीखी तो है नहीं। मैं ऐसे ही अपने मतलब जब छोटे रहते तब पेड़ पौधे और ये सब बनाते रहते ना, पहाड़, और फिर तब से लेकर अभी तक ये कंटिन्यू करा, तो धीरे धीरे अपने आप ही अच्छी होती गई। ऐसे कहीं पर क्लास वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं से सीखना नहीं पड़ा। तो जो भी मैं मेथड बताऊंगा वो अपने आप आ गई है, बस ऐसे ही, पता नहीं कैसे आ गई, बस आ गई है। पर यार अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं किसका स्केच बनाऊं। मैं सोच रहा था कि एनिमे का स्केच बनाते, पर यार ये थोड़ा सा कार्टून का, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कार्टून नहीं, एनिमे इज नॉट कार्टून, लोग बोलते हैं ऐसा, मेरे को पता नहीं क्यों, पर मेरे को तो कार्टून ही लगता है, पर ठीक है, बोलते हैं तो होगा, नहीं होगा मतलब कार्टून। मेरे को अगला स्केच भी एनिमे का बनाना था, पर अभी अगर मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगा तो थोड़ा सा कार्टून टाइप का हो जाएगा, इसलिए मैं इंसानों का फेस बनाता हूँ, जिसमें ज्यादा डिटेलिंग वगैरह होती है ना, उसको थोड़ा सा सेम टू सेम बनाना मुश्किल रहता है, तो वो मैं बताता हूँ। किसी और शीट पे बनाने से अच्छा मैं इसी पे बनाता हूँ, पर यार उससे पहले मेरे को इन फेस को कम्प्लीट करना पड़ेगा। आपने ये वाली वीडियो तो देखी होगी भाई, बड़ा मजा आया था उसमें। मैंने उस वीडियो में पायल गेमिंग की हाफ फोटो बना दी थी, आधी बाकी रह गई थी, तो पहले मैं उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो भाई मैंने पायल गेमिंग का भी आधा फेस बना दिया है, इन सब के हाफ हाफ फेस बने हुए हैं, इनमें डिटेलिंग करना बाकी है। पर यार अगर मैंने इन सभी के फेस बनाना चालू कर दिया ना, अगर मैं इनके बाद आउटलाइन बनाऊंगा ना, तो यार उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं कि अभी फिलहाल किसी और का स्केच बनाते हैं। तो मैंने मिस्टर बीस्ट का ये वाला फोटो लिया है, मेरे ख्याल से इनको तो सब लोग जानते ही होंगे, मिस्टर बीस्ट के साथ रोनाल्डो भी है, तो भाई फोटो तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। पर यार इनके एक्सप्रेशन देखो, दोनों के फेस पे स्माइल है, इसका मतलब आउटलाइन बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। इतनी खतरनाक फोटो को मैं डायरेक्ट बनाना चालू कर दूंगा ना तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, तो इसलिए मैं पहले ये इजी सी फोटो से चालू कर रहा हूँ। तो ये है अपनी छोटी सी A4 साइज की शीट और वही अपनी पुरानी मैकेनिकल पेंसिल जिससे मैं हर बार आउटलाइन बनाता हूँ। आहा भाई बड़ी भूख लग रही थी, साथ में मैं खाने के लिए ये लाया हूँ, ये एक पीस बहुत ज्यादा मीठा है भाई। हर फेस के सेंटर में उनकी नोज होती है, तो अपनी स्केच में भी उनकी नोज सेंटर में ही आनी चाहिए और आंखें आनी चाहिए ऐसी आइट साइड, और यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और यहाँ पे इनकी फेस आ जाएगी, जॉ लाइन वगैरह आ जाएगी, ईयर्स वगैरह आ जाएंगे, पर सेंटर में नोज ही आएगी। तो सबसे पहले मैं इमेजिन करके कुछ कुछ मार्कर बना रहा हूँ कि यहाँ पे आंखें आ जाएगी, यहाँ पे नोज आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर साइड हेयर्स आ जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा मार्क कर दिया सब जगह ताकि हमको इमेजिन करके फोटो बनाने में थोड़ा सा ईजी हो। इसमें मैं कहीं पर भी ऐसी नोज बना दे रहा हूँ, अभी तो अपन कार्टून वाला फेस बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ईजी लग रहा है, और यहाँ पे धीरे धीरे आईज वगैरह बना दूंगा कुछ ऐसे। और ये मेरी फाइनल आउटलाइन नहीं है, इसके ऊपर आउटलाइन की कम से कम 4 से 5 लेयर वगैरह डलेगी, वो कैसे होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैंने पहली लेयर तो डाल दी है, हल्की हल्की आंखें और बना लेते हैं ऐसी ऐसी, मेरे को एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी लग रही है अभी, तो इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ये अभी सही लग रहा है पर अभी परफेक्ट बना नहीं है, आंखों के अंदर भी कुछ कुछ काला काला है, तो वो भी मैं ऐसे हल्का हल्का बना लेता हूँ अभी। ये नोज को थोड़ा सा और डार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ मार्क वगैरह लगा दिए हैं, यहाँ पे ईयर्स वगैरह आ जाएंगे, और यहाँ कहीं पर इसका मुंह आ जाएगा, और नीचे जो हल्की हल्की हमने स्टार्टिंग में आउटलाइन टाइप का बनाया हुआ था थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करके, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मार्क कर देंगे। अभी जितनी भी हमने चीज़ें बनाई ना उसको देख के, जैसे आँखें और नाक तो बन चुकी है, तो इसके आसपास की चीज़ें बनाना भी अब ईजी हो जाएगा। हमने अपनी आउटलाइन पे 2 लेयर तो डाल दिए, तो जो पहली वाली लेयर थी ना जिसमें हमने थोड़ा लाइट लाइट यूज़ करा था, उसको मैं क्ले इरेजर से हल्का हल्का रफ कर दूंगा,
और एक थोड़ी सी डार्क आउटलाइन बना रहा हूँ उसी को देखते हुए, क्योंकि पहले वाली थोड़ी सी बड़ी छोटी लग रही थी। तो मैंने फर्स्ट वाली लाइट लेयर को हटा के थोड़ी सी उस पर डार्क लेयर डाली, और अभी उसको भी रफ करके उस पर थोड़ी सी और डार्क वाली लेयर डाल रहा हूँ, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे वापस से वो हल्का हल्का वाला चालू करेंगे कुछ ऐसे, ये यहाँ पे इनके कान वगैरह आ जाएंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा पतला हो चुका है, इसको भी हम बाद में सही करेंगे, अभी सिर्फ हम इमेजिन करने के लिए बना रहे हैं। तो जो पुरानी आउटलाइन थी ना, मैं उसको भी क्ले रेजर से हल्का हल्का टैप टैप करके रफ कर दे रहा हूँ। इसको भी आंखों को भी और नाक को भी थोड़ा थोड़ा रफ कर देंगे, क्योंकि ये फाइनल आउटलाइन नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा फोटो जैसा लुक आने लगा है, आईब्रोज आ जाएगी यहाँ पे, और जॉ लाइन को भी अपन थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ऐसे धीरे धीरे पेंसिल चला के। ये वाली यार चीज़ मेरे को थोड़ी सी गलत लग रही है, पर अभी के लिए कर देते हैं। थोड़ा पराठे टाइप का फेस बन गया है। यहाँ से हेयर्स भी थोड़े से डार्क कर देते हैं, यहाँ पे हेयर्स आ जाएंगे हल्के हल्के हाथ से। जो चीज़ हल्की सी भी गलत लगे ना, उसको फटाक से ना रफ कर देना, क्योंकि वो छोटी सी मिस्टेक ना आगे चल के बहुत ही बड़ी लगेगी। ये बन गए कान, ये बन गया इधर का कान, यहाँ से स्माइल फेस आ जाएगा। हल्का हल्का और आउटलाइन को डार्क करेंगे पहले वाली आउटलाइन को, ये गलत बन गया, इसको वापस से मिटा देंगे। ये अब लग रहा है ना भाई हंसता हुआ लड़का, ऐसी छोटी छोटी चीज़ और बना देते हैं इसमें। अब जो पुरानी वाली आउटलाइन थी ना, उसको भी थोड़ा थोड़ा रफ कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और आपने मेरे बाकी के वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें जब मैं आउटलाइन बना के रेडी कर देता हूँ ना, तब वो कुछ ऐसा लगता है, जिसमें भाई छोटी छोटी जो आउटलाइंस अपन ने लेयर वगैरह डाली थी ना, वो सब नहीं दिखती है, सिर्फ मेन चीज़ दिखती है। अभी देखो कितना सही लग रहा है। तो ये बन गई अपनी फाइनल आउटलाइन कुछ ऐसी। अब इसमें शेडिंग करेंगे, इसमें कलरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से बाल वगैरह बनाने रह गए अभी, तो कुछ ऐसे हम इस पर बाल बना देंगे, ये लो भाई। अब इसमें जब शेडिंग करेंगे ना, तब ये और अच्छा हो जाएगा। ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, पर क्या लगता है भाई कि इंसान का भी फेस बनाना इतना ज़्यादा ईजी होने वाला है? शायद नहीं। जब भी मैं किसी इंसान का फ़ोटो बनाता हूँ ना, तो ऐसे ही डायरेक्ट काम चालू नहीं कर देता हूँ। पहले मेरे कंप्यूटर में एडिट पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट पे जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं फ़ोटो को चेंज करने के। तो मैं पहले सेचुरेशन को ऑफ कर देता हूँ, एक्सपोजर थोड़ा कम कर देता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ फ़ोटो के हिसाब से। अभी इतना सही लग रहा है मेरे को। ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता हूँ, और हाईलाइट तो भाई मेन चीज़ है, हाईलाइट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, तो हाईलाइट को भी मैं बढ़ा देता हूँ। तो अपना फाइनल फोटो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एक दो और ऑप्शन है शार्पनेस वगैरह का, अगर फोटो ब्लर हो तो हम इसको शार्प भी कर सकते हैं, तो मैं रखूँगा इतना सा शार्प बस। तो चालू करते हैं भाई अपना स्केच, देखते हैं कि भाई कैसी आउटलाइन बनती है। रियलिस्टिक स्केच बनाने के लिए हमको परफेक्ट आउटलाइन चाहिए होती है, इसीलिए सबसे पहले मैं स्केच पे अच्छे से स्केल से मार्क करता हूँ। पूरी आउटलाइन बनाने में यही सबसे ज्यादा इजी प्रोसेस है, इसके बाद तो भाई जितनी भी चीजें ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जब सेंटर का पार्ट मिल जाए ना, तो बाकी लाइंस को मैं ऐसे ही रफ कर देता हूँ। और हमको ये साफ सुथरा स्केच बनाना है, तो उसके लिए मैं इस पे बटर पेपर भी रख रहा हूँ। मेरे को सबसे पहले बनाना है मिस्टर बीस्ट का फेस, उसी सेंटर पार्ट में से हाफ पार्ट के सेंटर को भी मार्क करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर फेस में उनका सेंटर पार्ट आप नोज रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर किसी फेस का एंगल इधर उधर देखता हुआ ना, तो आप उसको फिर भी सेंटर पार्ट नोज ही समझना, तो थोड़ा सा इजी रहेगा बनाना। बाकी तो फिर आप कैसा भी थोड़ा आइट साइड एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैंने पहले गुड्डे में बनाया था ना, तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी करूंगा, हल्का हल्का मार कर रहा हूँ। अरे यार ये लाइन टेढ़ी हो गई, इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे भी हल्का हल्का मार कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगी नोज। ऑलराइट, तो मैंने सारी जगह को मार कर लिया है। अभी हल्का हल्का यहाँ पे लुक दिखने लगा है मिस्टर बीस्ट जैसी, यहाँ पे स्माइल वगैरह आ गई है। बहुत ही लाइट आउटलाइन बनाई है मैंने, अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। और ये अपने आउटलाइन की पहली लेयर डल चुकी है, अभी हल्का हल्का लुक आने लगा है मिस्टर बीस्ट जैसा। अब मैं धीरे धीरे इस पे थोड़ी सी डार्क वाली आउटलाइन की लेयर डालूंगा। हर बार की तरह आउटलाइन बनाना मैं नोज से चालू करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगी इनकी नोज, यहाँ पे दाढ़ी वगैरह आ जाएगी हल्की 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 हल्की। इनका मुंह देखो आप एकदम सीधा दिख रहा है, ऊपर के जो लिप्स है ना एकदम सीधे हैं फ्लैट, तो वो मैंने भी कुछ ऐसे ही सीधे बना दिए हैं। यहाँ पे लिप्स वगैरह आ जाएगी। अभी तो भाई इनकी घोड़े जैसी स्माइल लग रही है, इतने सारे दांत बाहर दिख रहे हैं ना, पर ये ऐसे नहीं होंगे, ये मेरे को दूसरी तीसरी लेयर में सही करना पड़ेगा। ये आंखों के गोले यहाँ पे आ जाएंगे और दूसरी आंख के गोले यहाँ पे आ जाएंगे। ये बन गई आंख,
वही भाई, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ इमेजिन कर करके, कुछ चीज़ें यहाँ पे, कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ कुछ ऐसे कहीं पर भी मार कर देता हूँ, फिर पेंसिल चलाना चालू कर देता हूँ, फिर एक एक लेयर एक के बाद एक डालता जाता हूँ। पांचवीं या फिर छठवीं लेयर में फेस का जो आउटलाइन रहता है ना, वो परफेक्ट बन ही जाता है। तीसरी लेयर आउटलाइन की मैं अभी डाल रहा हूँ, जिसमें भाई हेयर्स वगैरह उतने परफेक्ट नहीं लग रहे हैं, अभी घोड़े जैसी स्माइल लग रही है, चमगादड़ जैसी आंखें लग रही है, और इसकी दाढ़ी तो बना ही नहीं है भाई, टिकटॉकर लग रहा है पूरा का पूरा। ये हो गया इनका कान, और यहाँ से दूसरा कान आ जाएगा। कितना अजीब लग रहा है ना अभी। अब ये बन गई अपनी थर्ड लेयर, तो मैं पहली और दूसरी लेयर को मिटा दूंगा, और उसके लिए वही अपना क्ले इरेजर टैप टैप करके इसको रफ कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं आती है इससे। ऑल राइट, तो मैंने पूरा टैप टैप करके सारी आउटलाइन मिटा दी है, सारी नहीं मतलब अभी अभी की रखी हुई है बस। और फाइनली मैं इस पे हल्का हल्का और आउटलाइन डालना चालू कर रहा हूँ, थोड़ी सी और डिटेलिंग के साथ। कुछ ऐसे इनके हेयर्स वगैरह आ जाएंगे, यहाँ से एक बाल निकला हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स वगैरह आ जाएंगे। आंखों के गोले पहले बना लेता हूँ, भाई आंखें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अगर हल्की सी भी आंखें इधर उधर हो गई ना तो ऐसा लगता है कि भाई काड़ा मतलब कुछ रहते हैं ना वो आंखें इधर उधर रहती है, किसी किसी स्केच की बिगड़ जाती है जो कि भाई बहुत ही अजीब से लगती है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैं जितनी भी आंखें बनाता था ना, बहुत सारों में ज्यादातर यही मिस्टेक होती थी कि भाई ऐसा लगता था कि एक आंख से कहीं और देख रहा है और एक आंख से कहीं और देख रहा है, फिर बहुत प्रैक्टिस के बाद अभी आजकल मेरी आंखें मतलब जो स्केच की आंखें वो सही बनने लगी है। हमने आईब्रोज वगैरह को थोड़ा सा डार्क कर दिया, नोज वगैरह भी थोड़ी सी और डार्क करते जाएंगे, और सबसे मेन चीज़ है स्माइल। भाई स्माइल को मेरे को ठीक करने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यार ये एक तो छोटी शीट है, A4 साइज़ है, पर फिर भी मैं पहले वाली से थोड़ी सी बेटर बनाऊंगा। आगे के दो दांत बाहर निकाल दूंगा, छोटे छोटे दांत और बना रहा हूँ ऐसे कुछ, और यहाँ का अगर ब्लैक करना चाहो तो कर सकते हो, पर यार ये चीज़ बाद में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने अभी इसको छोड़ दिया हल्का हल्का मार करके। यहाँ पे मूछ वगैरह आ जाएगी, और यहाँ पे हल्की हल्की बियर्ड वगैरह आ जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, दाढ़ी। अभी देखो भाई पूरा फेस गोल बन चुका है, मेरे को इसको भी ठीक करना पड़ेगा, वो अपन दूसरी लेयर में करेंगे। ऊपर के जो हेयर्स है ना वो थोड़े से शाइनी है, इसीलिए मैंने ऊपर के बाल थोड़े से लाइट लाइट बनाए। यहाँ पे इनके क्या बोलते हैं उसको, वो रहते हैं ना किसी के डिम्पल्स, मतलब गाल अंदर घुस जाता है हंसते टाइम, कुछ तो बोलते हैं उसको, गड्ढा हो जाता है ना गाल में, तो मिस्टर बीस्ट के हल्के हल्के वो भी दिख रहे हैं। अगर दाढ़ी नहीं होती ना तो वो क्लियर दिखते, पर अभी हल्के हल्के दिख रहे हैं तो हल्के हल्के ही रखते हैं। और यहाँ पे मूछे वगैरह आ जाएगी, अभी देखो भाई अब थोड़ा थोड़ा मिस्टर बीस्ट जैसा लुक आने लगा है। यहाँ पे स्माइल वगैरह आ जाएगी, ये सब शेडिंग होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से इनकी गर्दन आ जाएगी कुछ ऐसी, यहाँ से भी कुछ ऐसी, और यहाँ पे रोनाल्डो का हाथ आने वाला है, यहाँ से कुछ उनका हाथ आ जाएगा। अभी थोड़े थोड़े मिस्टर बीस्ट जैसे लगने लगे हैं, यहाँ पे शेडो वगैरह डाल दूंगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी पहले वाली लेयर को मैं थोड़ा सा और रफ कर देता हूँ, यहाँ पे बस मेन आउटलाइन ही दिखना चाहिए, बाकी सारी जो एक्स्ट्रा चीजें ना वो सब मैं मिटाते जाता हूँ। अगर मैं अपनी पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर को मिटाता नहीं ना भाई, तो अभी तक के यहाँ पे पूरा कचरा बन चुका होता, समझ में ही नहीं आता कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे है। तो कुछ ऐसी लगती है मेरी आउटलाइन मेरी हर स्केच में, जब जितने भी स्केच में मैं कहता हूँ ना कि ये आउटलाइन रेडी हो चुकी है, तो उसी में आउटलाइन कुछ ऐसी लगती है। यहाँ से इनका कंधा आ जाएगा जो कि ऐसा जाएगा, और यहाँ से रोनाल्डो भैया आ जाएंगे। पर इस वाले साइड हम इनका सेंटर पार्ट ये वाला नहीं ले सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी मिस्टर बीस्ट को बना दिया है। तो अगर मैं रोनाल्डो को सेंटर पार्ट देख के बनाऊंगा तो यार ये दोनों दूर दूर लगेंगे, मेरे को पास पास बनाना है। तो मैं मिस्टर बीस्ट को देखते हुए उनका तो मैं मिस्टर बीस्ट को देखते हुए उनका डिस्टेंस मेजर करूंगा। यहाँ पे उनकी गर्दन वगैरह आ जाएगी, फेस वगैरह यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ पे कॉलर आ जाएगी, और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कान वान आ जाएंगे, बाल वगैरह आ जाएंगे यहाँ यहाँ पे। तो जब मैं मिस्टर बीस्ट की पहली लेयर बना रहा था तब वो कुछ ऐसी दिख रही थी, और अब वो कुछ ऐसी दिख रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो सेम मेथड मैं रोनाल्डो के फेस के लिए भी यूज करने वाला हूँ। खैर इतनी आउटलाइन बनाने में मेरे को कम से कम क्या लगता है कितना टाइम लगा होगा, गैस करके बताओ, कमेंट करके बताओ कितना टाइम लग सकता है भाई इतनी सी आउटलाइन बनाने के लिए। जिसका सही होगा या फिर आसपास भी होगा तो उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा।